अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शमा कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल अंडा मैगी। चलिए इसकी रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने साथ मैगी ली है, हरी मिर्च 3, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप की हुई प्याज 3 अंडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमने कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून लिया है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप की हुई प्याज, हरा मिर्च। अब इसे अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप की हुई टमाटर। टमाटर को अच्छे से गलने देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट अच्छे से इसे भूनेंगे कि टमाटर हमारा गल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से आप डालें। 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, आप जिस हिसाब से तीखा पसंद है आप उस हिसाब से तीखा करें। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी तकरीबन 1 कप। अब मैगी डाल दूंगी इसमें। अब जो हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है, मैगी को पानी में डिप कर देंगे जो मसाला था, अब हमने उसने भी डाल देना है मैगी में, सारे के सारे डाल देना है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। हमने एक पैन लिया है, पैन में डालेंगे ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून तक डालेंगे। अब हम एक ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हर जगह। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अंडे। अंडे को मैंने डायरेक्ट ही डाला है, हमने कोई बिक नहीं किया है इसे, हमने डायरेक्ट डालना है इसे। इन्हें अंडे को ऐसे ही डाल देना है डायरेक्ट। और ऊपर से मैं डाल दूंगी चिली पाउडर, नमक थोड़ा सा और चॉप की हुई धनिया। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी मैगी बनके रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी दिख रही है। अब मैं ऊपर से डाल दूंगी इसमें चॉप हुई धनिया। यहाँ हमारी मैगी बनके रेडी है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब हम चूल्हे को ऑन ऑफ कर देंगे। अब हम एक प्लेट निकाल लेंगे। अंडा यहाँ हमारा बनके रेडी है। अब हम ऊपर नीचे से कर लेंगे एक चम्मच की हेल्प से डैब डैब करें ताकि अंडा हमारा अंदर से कच्चा न रह जाए। यहाँ अंडा फ्राई कर रेडी है, चलिए इसे सर्व करते हैं। यह हमारा वेजिटेबल अंडा मैगी बन के रेडी है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये सबको बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को भी। आप इसे नाश्ते में बनाएं, 4 बजे बनाएं, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।